करते हैं। ये मंदिर है एक छोटा सा यहाँ, और ये गेट है नीचे। अभी थोड़ा सा ऊपर आए, बस अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर पहले टिकट लगा करती थी 150 रुपीज़ पर पर्सन, पर शायद अब टिकट नहीं है। और यहाँ खच्चर भी हैं, अगर नहीं चढ़ा जाता तो खच्चर से आ सकते हो। बहुत अच्छी लोकेशन है ये भी। हाँ जी, कैसा लग रहा है चढ़ते? बहुत मुश्किल है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। एक बार बहुत ज़्यादा सांस फूल गई है। आगे पता नहीं कैसा ट्रैक है। बस अभी 10 मिनट हुए हैं चलते हुए। वैसे ट्रैक देखने में अच्छा लग रहा है, पर ये हाइट ज़्यादा है इसकी। अभी ये लगभग 1 किलोमीटर चले हैं, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है यहाँ, हालत ख़राब हो गई थी। तो अभी आगे देखते हैं क्या होगा आगे जाके। और यमन बैठा है यहाँ, अभी मैगी खाएंगे, चाय पीते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे। मैगी आ चुकी है, बस अभी मैगी खाएंगे, गर्म है बहुत ज़्यादा। तो अभी 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग हुई है, और अभी बहुत ज़्यादा चढ़ाई आगे। और ये व्यू यहाँ से लगातार ऐसे ही दिख रहे हैं, बहुत अच्छे व्यू हैं। ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, ये ट्रैक है, इस तरह का सारा रास्ता ऐसा है, और ये नीचे से आ रहा है। तो चलो आगे मिलता हूँ मैं, अभी कम से कम 1.5 घंटा लगेगा, लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक हुआ है। तो यह है ट्रैक तुंगनाथ महादेव, वो ऊपर से जाना है, उधर से घूम के अभी ऊपर की तरफ से जाएंगे, उधर से होते हुए अभी 2-3 चक्कर और लगेंगे, कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगना है। और यहाँ से देखो व्यू, नीचे से आया वहाँ से, पर हालत ख़राब होगी यार। 4 किलोमीटर ट्रैक है, पर चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल एकदम से खड़ी चढ़ाई है। अभी 1 से 1.5 घंटा लगेगा ऊपर तक जाने में, मंदिर तक। मंदिर वहाँ पे है जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, पर अभी ये रास्ता कवर करके जाना है, इधर से घूम के ऊपर की तरफ जाना है अभी। और यहाँ से व्यू देखो एक बार।
हालत ख़राब हो गई यार यहाँ तक आने में, बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, एकदम से चढ़ाई है। पर चलो पहुँच गई, फिर भी थोड़ी दूर है, 10-15 मिनट लगेंगे और मिलता मैं मंदिर के पास जाके। अब बम बम भोले। तो तुंगनाथ टेंपल पहुंच चुके हैं और लगभग 2.5 घंटे लगे यहाँ तक पहुंचने में। अभी मेरे पीछे का व्यू दिखाता हूँ पहले, उसके बाद मंदिर लेके चलता हूँ। यहाँ का व्यू इस तरह का है कुछ, बहुत अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है, बादल है और बारिश बंद हो गई है, धूप आ गई है, अच्छा लग रहा है यहाँ के। और ये इधर मेन टेम्पल है, वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेंपल तुंगनाथ महादेव मंदिर और पंच केदारेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ भी एक छोटा सा टेंपल है, यहाँ भी प्राकृतिक शिवलिंग है अंदर, ये बैक साइड ही है टेंपल की। और यहाँ पांचों केदार महादेव की मूर्ति भी है, तभी इसको पंच का केदारेश्वर महादेव कहा जाता है। दासुन्यां भीतिनाशं जलचरणवजा भीतिभङ्गारुजाति नश्यन्ति दुर्ग्रहाणां जनितं सुमं प्रार्थना स्वेषितं तो यहाँ लगभग 1 घंटा स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से चंद्रशिला ट्रैक 1 किलोमीटर है, अभी पता करते हैं खुला है या नहीं ट्रैक, पर बंद रहता है मोस्टली वो। चलो पूछता हूँ अभी। तो ये सामने वाला ट्रैक जाता है चंद्रशिला, चंद्रशिला ट्रैक जाता है और ऊपर पहाड़ी की चोटी के ऊपर मंदिर है बिल्कुल ऊपर जाके, पर ये ट्रैक बंद है, यहाँ से गेट बंद है, अभी आगे जा नहीं सकते, बस वापस चलते हैं अब यहाँ से। अब नीचे जाके ही मिलता हूँ मैं, और व्यू एक बार और देख लो, बहुत जबरदस्त व्यू है चारों तरफ का व्यू। तो तुंगनाथ का ट्रैक करके वापस जा रहे हैं और लगभग 5 घंटे लगे यहाँ तक आने में। और ये पीछे बाइक खड़ी है, यहीं बिल्कुल गेट के पास ही पार्किंग में खड़ी की थी, तो बाइक खड़ी है, सामान सारा बांध लिया इस पर। और यहीं पास ही मार्केट है और मार्केट के साथ ही गेट है इधर, जहाँ से ऊपर गए थे हम। और पूरा ये आगे चौपटा है,
और नीचे कैंपिंग लोकेशन भी है। तो बस अब आगे चलते हैं और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है पहले ही। वापस जा रहे हैं अब, देखते हैं आज श्रीनगर पहुंच पाएंगे कि नहीं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे ट्रैक जो है बहुत, एक बार तो डिफ़िकल्ट लगा, 4 किलोमीटर है, चंद्रशिला आगे है उससे थोड़ा, पर मौसम ख़राब होने की वजह से चंद्रशिला नहीं गए। तुंगनाथ महादेव 4 किलोमीटर का ट्रैक करके आए हैं। तो बस आगे चलते हैं अब, गुड बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।